तो आज मैं फिर लेके आ गई हूँ आपके लिए जादुई टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ हैक्स तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा राधे राधे कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे स्वस्थ होंगे तो मैं भी ठीक हूँ स्वागत है आपका हमारे चैनल संगीत त्यागी ब्लॉग्स में तो टिप्स एंड ट्रिक्स से हमारे काम थोड़े ईजी हो जाते हैं तो चलिए देख लेते हैं क्या है टिप्स फर्स्ट टिप है हमारा नींबू से रिलेटेड तो हमने ले लेना एक नींबू और नींबू को स्क्वीज़ कर लेना एक बाउल में तो यहाँ मैंने एक आधा नींबू कट कर लिया इसको निचोड़ लिया है उसके बाद इससे हम क्या करेंगे इसका हम कमाल देखेंगे बहुत ही मैजिकल है तो यहाँ जो नींबू हमने नींबू का रस लिया है तो हमें ले लेना है एक पेपर तो पेपर ले लिया है ब्लैंक पेपर लेना है कोई भी पेपर ले सकते हैं लाइनिंग वाला भी ले सकते हैं प्लेन भी ले सकते हैं तो या इसके लिए आप या तो टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ मैंने ले लिया है ब्रश और इसकी हेल्प से हम इस पर कुछ ड्रॉ करेंगे तो नींबू के रस से हम कुछ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ मैं कर लेती हूँ ड्रॉ तो मैं एक बनाऊंगी फ्लावर आप चाहे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं मैं तो एक आपके पास आइडिया दे रही हूँ तो यहाँ मैंने एक फ्लावर ड्रॉ कर लिया है उसके बाद आप मैजिक देखिएगा जो आपने ड्रॉ किया है उसको ड्राई होने दीजिएगा तो यहाँ मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया है तो मैंने ऐसे ही बनाया आपको एक आइडिया दिया है आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं उसके बाद गैस को करना है ऑन और फ्लेम के ऊपर ना जिस पेपर पर आपने ड्रॉ किया है उसको रख देना है तो इसमें जैसे ही हीट लगेगा तो जिस जूस से आपने जो ड्रॉ किया है वो उभर के आने लगेगा ऊपर की तरफ तो कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने टेढ़ा मेढ़ा जो फ्लावर बनाया है वो आपको दिखाई दे रहा है इसकी जगह पर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं और बच्चों को इससे दूर रखिएगा बस बच्चों को समझा देना है कि इस तरीके से मैजिक भी हो सकता है तो ये देखिए है, है ना कमाल का टिप तो नींबू से आप कई तरीके से काम कर सकते हैं घर की सफाई भी कर सकते हैं और हाथ की सफाई भी कर सकते हैं तो इस तरीके से आप मैजिकल ड्राइंग भी बना सकते हैं तो अगर मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरीके से बच्चों को लंच बॉक्स में चावल पोहा या फिर मैक्रोनी कोई भी ऐसी चीज़ देते हैं तो चम्मच अगर इसके अंदर रख देंगे तो चम्मच गंदी हो जाती है तो इसके लिए एक टिप है कि आपको बच्चों को लंच में चम्मच किस तरीके से देनी चाहिए चम्मच या फॉक किस तरीके से देनी चाहिए लंच बॉक्स को कवर कर दें आपको ले लेना है एक फॉइल पेपर फॉइल पेपर का थोड़ा सा टुकड़ा ले लेना है अगर फॉइल पेपर नहीं है तो कोई भी ले सकते हैं पेपर ले सकते हैं या कुछ भी जो आप जिसमें रोटियां रैप करते हैं वो ले लें तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ही टुकड़ा ले लिया है फॉइल पेपर का इसको इस तरीके से कवर कर देना है जैसे मैं कर रही हूँ कवर करने के बाद आपको क्या करना है एक टिप मैंने पहले बताई कि डबल टेप से आप इसको स्टिक कर दें और किसी किसी के यहाँ डबल टेप नहीं होता तो उनके लिए है आपको क्या करना है रबड़ तो सभी के यहाँ हो जाती है बहुत सारी चीज़ों में आती है मिठाई के डिब्बों में आती है या फिर आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं तो रबड़ लेना है इस तरीके से बॉक्स में लगाना है और चम्मच को इसमें फंसा देना उसके बाद आप बच्चों को लंच बॉक्स देना है ये चम्मच कहीं भी नहीं जाएगी या नहीं भी नहीं होगी तो टिप अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना नेक्स्ट टेप आपके बहुत काम आने वाली है तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है छोटी सी बोतल तो मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ हमारे पास सबके पास फनल नहीं होता है जैसे कि ये है कोन जिसको बोलते हैं कीप बोलते हैं जिससे कि हम ऑयल वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं या कोई भी लिक्विड चीज़ जो छोटे मुंह वाली बॉटल्स होती हैं उसमें ट्रांसफर करते हैं तो उसके उसके लिए आपको क्या करना है अगर आपके पास फनल नहीं है तो आप इस तरीके से फॉइल पेपर का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई हार्ड पॉलीथिन भी ले सकते हैं इसकी जगह पर जैसे आटे के बैग्स होते हैं या चावल के बैग्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ मैंने फॉइल पेपर को चार बार फोल्ड कर लिया तो इस तरीके से आप फोल्ड कर रहे या फिर दो बारी फोल्ड करें तो यहां मैंने इसको फोल्ड कर दिया उसके बाद हमें इसका कोन बना लेना है तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसको ए, मतलब इक्वल कर ले रही हूँ चारों तरफ से उसके बाद हम इसका एक कोन बना लेंगे तो जैसे मेहंदी का कोन बनता है ना उसी तरीके से इसका कोन बना लेना है बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो ऊपर की तरफ इसका वो है उसको इक्वल कर देना है मतलब ऊपर से भी फोल्ड कर देना है थोड़ा सा तो यहाँ देखिए मैंने बना लिया है कोन अब इसको आपको उतना ही कट करना है जितना कि आपकी बॉटल का मुँह है बॉटल से के मुँह से थोड़ा सा छोटा ही कट करना है तो यहाँ देखिए कोन बन गया है तो मैं लाइटर डाल के इसको एकदम शेप दे दूंगी क्योंकि फॉइल पेपर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो यहाँ शेप देने के बाद आपको क्या करना है आपको लेना है एक सीज़र तो सीज़र की हेल्प से इसको नीचे की तरफ से कट कर देना है तो यहाँ मैंने इसको कट कर दिया है उसके बाद मैं फिर से इसमें लाइटर डाल दूँगी या आपके पास कोई भी स्टिक है राउंड में होना चाहिए स्टिक तो उसको भी डाल सकते हैं तो इस तरीके से मैंने डाल दिया है और ये अच्छे से बन गया है मतलब पूर्ण अब हम ईजिली अपना ऑयल इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं उसके बाद इस तरीके से ऊपर से फोल्ड कर देना है इसकी जगह पर मैंने फिर से बोला है फिर से बता रही हूँ कि आप इसकी जगह पर कोई भी हार्ड पॉलीथिन का भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ देखिए ये यह हमारा कोन बन के तैयार हो गया है अब मैं इसमें आपको ट्रांसफ़र करके बताती हूँ आपका जब, मैं यहाँ पे पानी ट्रांसफ़र कर रही हूँ अब ये पानी हम इसमें डालेंगे तो ज़रा भी बोतल से बाहर नहीं निकलेगा और इजीली आप तेल ऑयल घी कुछ भी चीज़ें इस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूध भी ट्रांसफर कर सकते हैं अगर बॉटल में ले जा रहे हैं तो अगर टिप अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टिप की तरफ नेक्स्ट स्टिप है नेक्स नेक्स पे हमारा गैस स्टोव को लेकर तो ये मेरा गैस स्टोव है बारह साल पुराना तो बारह साल से इसके बर्नर हैं उनको मैंने क्लीन नहीं किया क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी बट अभी क्या है ये ब्लॉक होने लग गए हैं क्योंकि जो इसके होल हैं ब्लॉक होते हैं तो इसमें से गैस अच्छी तरीके से नहीं निकलती है जो आग है वो अच्छे से नहीं निकलती उससे खाना पकाने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है तो आज चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं तो यहाँ मैंने कर लिया पानी गर्म तो मैं एक भी स्टेप इसमें स्किप नहीं करूँगी जिस तरीके से क्लीन होंगे बस वही दिखाऊंगी तो आप वीडियो में बनी रहिए तो सबसे पहले मैंने पेस्ट ले लिया उसको तरफ इसको लगा देना है उसके बाद आपको क्या करना है एक ले लेना है तो ना वही लेना है तो मैंने डी करके बनाया मैंने काफी तरीके के ब्रश बनाए उसका वीडियो आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी ये ब्रश आपकी किचन में बहुत ज्यादा हेल्प करते है तो जो पेस्ट है उसको चारों तरफ फैला लेना है अंदर बाहर दोनों तरफ मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है दोनों जो बर्नर है के ऊपर फैला लिया उसके बाद क्या करना है जो नमक आप खाने में यूज करते हैं बस वही नमक ले लेना है और थोड़ा सा इसमें स्प्रिंकल कर देना है तो यहां मैंने नमक भी डाल दिया है उसके बाद आपको क्या करना है ले लेना है इनो तो इनो तो सभी के यहाँ मिल जाता है अगर इनो नहीं है तो इसकी जगह पर आप खाने वाला सोडा भी यूज कर सकते हैं तो कोई भी फ्लेवर का इनो चल जाएगा नहीं है तो खाने वाला सोडा यूज कर सकते हैं तो यहां मैं थोड़ा सा इनो डाल दूंगी इसको चारों तरफ फैला देना है तो जितना भी इनो हो सारा इसके ऊपर डाल देना है उसके बाद क्या करना है आपको ले लेना है थोड़ा नींबू का रस ले लेना है तो यहाँ जो बाउल में हमने नींबू निचोड़ के रखा था वो यूज़ कर लेंगे और आधा नींबू और यूज़ कर लेंगे तो टोटल हम इसमें एक नींबू का यूज़ करेंगे एक नींबू के रस का यूज़ करेंगे तो नींबू से बहुत सारे काम हो सकते हैं हाथ की सफाई भी हो जाती है और घर की सफाई भी हो जाती है तो जैसे ही आप इसमें नींबू को स्क्वीज़ करेंगे तो झाग है बहुत अच्छे से बन के आ जाएंगे इसमें तो आप देख ही रहे होंगे झाग कितने अच्छे से बन रहे हैं और ये अच्छे से रिएक्ट कर रहा है उसके बाद ब्रश की हेल्प से चारों तरफ इसमें फैला देना है तो यहाँ केटल आप देख रहे होंगे केटल में मैंने गर्म पानी करके रखा है तो पानी अच्छे से उबाल लेना है उसका यूज़ करना है तो आप देख रहे हैं यहाँ कितने अच्छे से धुआं निकल रहा है और इसको इस तरीके से इसमें डाल दें आपको पानी इतना डाल रहा है कि जो बर्नर है वो अच्छे से डूब जाएँ तो यहाँ देखिए झाग भी बनते ही जा रहे हैं जैसे हमने पानी डाला है तो और झाग बन रहे हैं और इसको हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए कि जो पानी है वो भी नॉर्मल हो जाए और जो गंदगी है वो भी अच्छे से फूल जाए तो उसके बाद आपको ले लेना है ब्रश ब्रश की हेल्प से इस तरीके से इसको साफ़ करेंगे तो यहाँ जैसे ही आप ब्रश का यूज़ करेंगे तो जो भी कालापन है वो धीरे धीरे छूटने लगेगा मतलब जो चाय उबली है तेल निकल गया है या हमने बैगन का भरता भूजा है उसकी गंदगी है और दूध की गंदगी है तो वो सारी अच्छे से क्लीन हो जाएगी जो होल्स हैं वो भी ओपन हो जाएंगे मतलब खुल जाएंगे सारे उसके बाद आपको ले लेना है जूना जूने की हेल्प्रिज तरीके से थोड़ा सा साफ करेंगे तो इसमें शाइन आ जाएगी और वैसे तो क्लीन हो ही गए बट अब इसमें जब साफ़ कर रहे हैं तो इसमें चमक भी ला देते हैं तो जूने की हेल्प को इस तरीके से क्लीन कर लेना है तो जितना भी कालापन जो इसमें आ गया है वो भी क्लीन हो जाता है तो इस तरीके से आपके जो बर्नर हैं उनको क्लीन कर सकते हैं तो वो एकदम नए जैसे लगेंगे तो यहाँ देखिए इसमें चमक भी आने लगी है धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि गैस में हम कितने टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये जल चुके हैं पूरी तरीके से बारह साल बाद मैं इनको क्लीन कर रही हूँ क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि अच्छे से काम कर रही थी बट अभी फ़िलहाल कुछ दिन से इसमें से जो गैस है वो कम निकल रही थी तो मैंने सोचा चलो क्लीन कर लेती हूँ और क्लीन कर रही हूँ तो आपके साथ शेयर ज़रूर कर देती हूँ क्योंकि मैं टिप्स ट्रिक्स और वीडियोज़ व्लाग्स वगैरह आपके साथ शेयर करती हूँ तो सोचा ये भी शेयर कर दूँ तो यहाँ देखिए अच्छे से क्लीन हो गए हैं उसके बाद आपको क्या करना है इसको साफ़ पानी से वॉश कर देना है तो यहाँ आप देख रहे हैं थोड़ा सा नींबू भी लगा दे रही हूँ कि और ज़्यादा क्लीन हो जाए तो यहाँ देखिए अच्छे से क्लीन हो गए तो जो भी हल्का फुल्का पेस्ट या जो भी सामान इसमें जो हमने डाला था वो भरा रह गया होगा उसको ब्रश की हेल्प से साफ कर देंगे उसके बाद ले लेना है टूथपिक टूथपिक की हेल्प से जो भी होल्स है उसमें इस तरीके से डालेंगे तो सारे होल्स भी ओपन हो जाएंगे क्योंकि उनमें भी चिकनाई थोड़ी बहुत भर जाती है तो टूथपिक की हेल्प से वो भी क्लीन हो जाएंगे तो यहाँ देखिए हमारे बर्नर एकदम से क्लीन हो गए हैं और साफ कपड़ा ले लेना है सूखा हुआ उसे इस तरीके से ड्राई कर देना है उसके बाद इन्हें अपने जो गैस स्टोव है उसमें फिक्स कर दें तो ये देखिए कितने शाइन कर रहे हैं पहले कितने काले थे और अब एकदम से चमकने लगे तो यहाँ देखिए मैं इसको ऑन कर दूँगी तो हमारी जो गैस है वो भी अच्छे से निकल रही है तो इस तरीके से आप अपने गैस बर्नर को क्लीन कर सकते हैं तो है ना कमाल की टिप तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ नेक्स्ट टिप है चने और मूंगफली को लेकर तो यहाँ मैंने ले लिया चने तो आपको देख रहा होगा ये भुने हुए चने हैं और इसमें काले काले छिलके भी हैं तो ये ना जो जब हम इन्हें चनों को खाते हैं तो मुंह में आते हैं तो बहुत गंदे लगते हैं इसी तरह मूंगफली के भी छिलके होते हैं ना तो मुंह में बहुत ज्यादा लगते हैं बहुत गंदे लगते हैं तो उसके लिए क्या करना है जिससे हम पूड़ी वगैरह छानते हैं वो झाबा ले लेना है उसके बाद जो चने हैं या मूंगफली हैं तो जिसको भी आपको छिलके दूर करने हैं उसके लिए ये ट्रिक का यूज कर सकते हैं तो इससे छान लेंगे तो जो आपके चने हैं वो ऊपर रह जाएंगे और जो भी छिलके हैं वो नीचे की तरफ निकल जाएंगे तो इस तरीके से आप मूंगफली को भी छान सकते हैं मूंगफली के छिलकों भी को भी गायब कर सकते हैं तो ये देखिए एकदम से साफ हो गए और इसमें जो कम भुने हुए चने थे उनको भी मैंने छान दिया है तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखिए जो इसकी जाली है ना तो सेंटर में जो जाली होती है थोड़े होल ज़्यादा बड़े होते हैं तो उसमें कुछ लगा दें उसके बाद छाने तो आपका छिलके भी सारे निकल जाएंगे तो यहाँ देखिए छिलके छिलके अलग हो गए और जो चने रेबड़ी थे वो अलग हो गए तो ये टिप भी कमाल का है नेक्स्ट पे हमारा इस तरीके के खल्लड़ को लेकर तो जब हम चाय वगैरह बनाते हैं तो इसका यूज़ तो करते ही हैं जब हम अदरक कूटते हैं तो आज हम इसको मिक्सी की तरह यूज़ करेंगे तो जब भी हमें बहुत कम मसाले पीसने होते हैं जैसे साबुत धनिया हो गया थोड़ी सी सौंप हो गई थोड़ा सा जीरा हो गया उसको जब पीसना होता है जब बारीक पाउडर बनाना होता है तो मिक्सी में नहीं पिस पाता है उसमें आ, अच्छी क्वान्टिटी होगी तभी पिसता है क्योंकि जार थोड़े बड़े होते हैं और मसाला हमें बहुत कम चाहिए तो उसके लिए क्या करें इस तरीके से जिसमें अदरक कूटते हैं उसमें हल्का सा कूट लें दर दरा कूट लें उसके बाद आप जो उसका कूटने वाला है उसको से सर्कल में घुमाएंगे ना तो एकदम से बारीक पाउडर बन जाएगा इस ट्रिक को आप अपना के ज़रूर देखिएगा तो यहाँ देखिए मैं इस तरीके से घुमाऊंगी और इसका एकदम से पाउडर बन जाएगा फिर इसको आप यूज़ कर सकते हैं एकदम पाउडर के फॉर्म में तो मिक्सी में थोड़ा टाइम लग जाता है तो जो भी रेसिपी बनाए उसमें यूज़ कर सकते हैं तो टिप अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड आई होप आपको टिप्स अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें अपनों का ध्यान रखें थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय